हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल सारिआं नू। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरा लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग नहीं देख सकते हैं, जेंट्स लोग क्या, सब हर कोई देख सकता है। बट आज मैं बात करने वाली हूँ बेडशीट्स के बारे में, तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि लेडीज़ को ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है घर की चीज़ों में, बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गए, ये सब। सो ये सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो मेरा कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मैंने खुद अपने घर के लिए बेडशीट्स ऑर्डर की हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और मैं बेडशीट ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ। सो मुझे लगा आप लोग के साथ मुझे इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, सो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने फ्लिपकार्ट से 5 बेडशीट्स मंगाई हैं और अभी तो सारी की सारी पैक्ड हैं। ये भी मैंने यूज़ की हुई है, इसे वॉश भी कर लिया मैंने, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। और ये अभी चारों के चारों न्यू हैं और ये मैंने फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ब्रांड है उसकी मंगाई है। सो गाइज, मैंने अपने लिए 5 बेडशीट्स मंगाई हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाई दी हैं अभी। सो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं या फिर जो लोग न्यू लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो पता है कि हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी हम 6 मंथ्स हो गए हैं हम न्यू अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, और हमने पूरा का पूरा इंटीरियर न्यू लिया है, इवन मैट्रेस भी, वॉल क्लॉथ सब कुछ मतलब न्यू लिया है। सो मैट्रेस भी हमने न्यू लिया है, और जो मैट्रेस हमने लिया है वो न्यू टेक्नोलॉजी का आजकल आ गए हैं, मेमोरी फॉर्म वाले, तो उनका जो लेंथ है ना मैट्रेस की वो 8 इंचेस की है। सो मेरे पास जितना भी ऑल स्टॉक था ये बेडशीट्स का सारा बॉम्बे डाइंग का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे को सिर्फ बॉम्बे डाइंग की बेडशीट्स ही पसंद आती हैं। बट प्रॉब्लम अभी ये आ गई है कि जो मैट्रेस है उसके ऊपर वो बेडशीट छोटी हैं, उसका डायमेंशन लेंथ जो है वो कम है। सो मैंने काफ़ी आरएनडी की कि बॉम्बे डाइंग का बड़ा डायमेंशन मुझे मतलब बड़ा साइज मिल जाए उसका, तो बट मुझे कुछ मिला नहीं। तो काफ़ी जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर, आरएनडी कर रही थी, तो मुझे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के बेडशीट दिखी, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल था। सो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसी है, और इसका जो इन बेडशीट्स का जो डायमेंशन है, जो इनकी लेंथ है वो 240x220 सेंटीमीटर है, किसी की 240x218 सेंटीमीटर भी है, बट ये 8 इंचेस के मैट्रेस पे परफेक्टली फिट आ रही है। लिटिल बिट छोटी है बट इट्स ओके है कि परफेक्टली फिट हो रही है, ये नहीं है कि सब मतलब छोटी लग रही है, मैसअप हो रहा है, ऐसा नहीं है, जैसे बिछा के रखो वैसे ही रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेडशीट हमेशा मतलब मैट्रेस के ऊपर फिट आनी चाहिए, नहीं तो घर ना उससे बहुत ज़्यादा डर्टी सा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ मैसअप सा हो गया है घर में। मेरे को तो मतलब पर्सनल मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमेशा बेडशीट मैट्रेस के ऊपर एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, परफेक्टली फिट होनी चाहिए, उसी से आपका घर बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। और अगर आपकी मैट्रेस पे बेडशीट्स बार बार फिसल जाती है, आपके घर में बच्चे हैं, तो आप जो बेडशीट होती है ना, बेडशीट के वन साइड पे कोई भी एक कॉर्नर पर ऐसे करके गांठ लगाकर आप मैट्रेस के नीचे दबा दीजिए चारों तरफ से, तो आपकी बेडशीट कभी भी मैट्रेस से मतलब इधर से उधर नहीं होगी, एज इट इज़ वैसे ही रहेगी जैसी वो है। और इन पांचों का सारा फैब्रिक जो है वो है माइक्रोफाइबर, सबका सारी की सारी बेडशीट का। सो मेरी दो अभी और भी आने वाली हैं बेडशीट्स, और उनमें से मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कौन कौन सी रखूँगी। और आफ्टर वॉश मैं आपको ये बता दूँ कि इसे मैंने वॉश किया, इसे मैंने 3-4 डेज यूज़ किया, और आफ्टर वॉश भी मैं आपको इसके रिजल्ट्स बता दूँ, काफ़ी अच्छे हैं। एज इट इज़ है इसका प्रिंट, एज इट इज़ रहा, ये श्रिंक नहीं हुई, और मतलब कि इसका जैसे धोते वक्त कलर निकलता है वैसा भी कुछ नहीं हुआ, एज इट इज़ बेडशीट रही है, उसका प्रिंट एज इट इज़ है जैसे ये न्यू ही है। सो इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है धोने से, ऐसा नहीं है कि पतला हो गया है, मतलब जैसे हो जाता है ना थिन हो जाता है कपड़ा, ऐसा नहीं है, बट लिटिल बिट सॉफ्ट हो गया है, और समर्स में तो सॉफ्ट बेडशीट सबको अच्छी लगती हैं। सो इन सबका मैंने बता दिया है, सारी की सारी जितने भी हैं सबका ही मटेरियल जो है वो है माइक्रोफाइबर का, बट इस बेडशीट का मुझे कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आया। आपको देख रही होंगी जो मेरी फोटो यहाँ पर आ रही है उसमें इसका जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट है, बट इसके अंदर रियल में इसका कलर इतना ब्राइट नहीं है, इसलिए इसे तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि ये कलर मुझे पसंद नहीं आया। और इसका जो प्रिंट भी है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लीन नहीं है, जैसे होते हैं ना प्रिंट क्लीन होता है वैसा वाला क्लीन नहीं है, ऐसे ही मतलब
अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इतना वाइब्रेंट नहीं लग रहा है जैसे वाइब्रेंट लगना चाहिए। बाकी मैं इन सब बेडशीट्स को अपने मैट्रेस के ऊपर डालकर आपको वीडियोस बनाई, आप देखिए कि कितनी ही प्यारी लग रही हैं, कितनी कलरफुल हैं सारी की सारी। सारी बहुत कलरफुल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है और ये बेड पर परफेक्टली फिट भी आ रही हैं। सारे के सारे कलर्स मैंने ब्राउन ही मंगा लिए बिकॉज इसमें वाइट शेड था नहीं, मुझे वाइट शेड वगैरह लेना था बट वही साइज का इशू था, दैट्स वाई मैंने जो अवेलेबल था वो मैंने मंगा लिया। सो पहले आप ये देखिए कि कितनी बढ़िया लग रही है बेड के ऊपर, परफेक्टली फिट और एकदम 8 इंचिस के मैट्रेस के लिए परफेक्ट है। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी ही अच्छी लग रही है, कितनी ही कलरफुल लग रही हैं। कलरफुल बेडशीट से ना घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है और घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है आपका। बेड की लुक भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट एक चीज़ मुझे इन बेडशीट्स में मतलब क्या अच्छी, क्या मतलब कि जिस हिसाब से इसका प्राइस है, पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का खुद का ब्रांड है, ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय, और इसका जो प्राइस है वो अभी सेल चल रही थी उसमें 299 था, बट हमने हमारे पास फ्लिपकार्ट का मेंबरशिप है, प्लस मेंबरशिप है, तो मुझे 269 रुपीज़ की पड़ी है। और 269 हो या 299 हो, मतलब बात तो सेम ही है, 20-30 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। सो उसी हिसाब से बेडशीट्स बहुत अच्छी हैं, आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे धोने के बाद इसका कलर फेड नहीं हुआ, श्रिंक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट एक चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी नहीं लगी है, इस चीज़ पे इनको काम करना चाहिए, जो इनके कॉर्नर्स हैं ना, मतलब टू कॉर्नर्स पे तो इन्होंने ये स्टिच दे रखी है, आप समझ रहे होंगे ये स्टिच दे रखी है, बट टू कॉर्नर्स पर ऐसे ही हैं धागे से। सो हो सकता है धागे निकलने शुरू हो जाएं फ्यूचर में, सो इसे मैं खुद ही स्टिच कर लूँगी फोल्ड करके। और ये चारों मतलब बेडशीट में ऐसे ही है, सबका ऐसे ही है, इसका भी देखिए ऐसे ही है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और इनको इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, सबके साथ ऐसा ही है। बट धोई है मैंने, इसे वॉश किया है, इसका ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, बट फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो। बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है और सबको पता ही है, लेडीज़ को तो बजट में अच्छी चीज़ लेना बहुत पसंद है, इवन मेरे को भी, मैं भी चाहती हूँ कि बजट में अच्छी चीज़ लें हम। और ये बेडशीट्स बजट में परफेक्ट है, आप 299 में लीजिए या फिर 269 में लीजिए, सो डिपेंड करता है। और इनके जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, सो मैं इन सारी बेडशीट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं तो यही कहूँगी, मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही अच्छी है, आप इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि बेडशीट तो जितनी हो उतनी कम है। किड्स के साथ तो वैसे ही, क्योंकि हमारे घर में तो दो दो हैं, एक सिम्बा भाई साहब है और डुगू भाई साहब है। सिम्बा भाई साहब नीचे से वॉक करके आते हैं, सीधा बेड पे चढ़ जाते हैं। सो मैं मतलब कि हर हर दिन या हर दूसरे दिन मैं चेंज करती ही करती हूँ, तो जितनी बेडशीट्स हो उतनी कम है, और अगर रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप आग बंद करके इसे ले सकते हैं। सो गाइज, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग को आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और उनको भी पता चले कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वो भी परचेज करें, वो भी बजट में बेडशीट्स लें। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।